दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सामने घड़ी देख रहे हो। घड़ी की एक बहुत धासु ट्रिक लेकर आया हूँ, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलने वाली। देखिए, ये जो ट्रिक है इसमें मात्र आप 2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। घड़ी की जो एक टाइप होती है जिसमें ये पूछा जाता है कि घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कौन बताना होता है, इनके बीच का कौन, तो उसके लिए वैसे जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। ये देखिए, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि 9:40 में घड़ी और घंटे के बीच की सुई का कोण क्या होगा, तो ये बताना होता है। तो इसको बस आपने कुछ नहीं करना, इसको करना है 60 से गुना। जो घंटे हैं उसको तो करना है आपने 60 से गुना, और जो मिनट है उसको 11 से गुना करनी है। 11 से गुना करने के बाद देखिए, और 60 से गुना करने के बाद 9×6=54, 540 आ जाएगा इसका, और इसका आ जाएगा 11×44, 440। इन दोनों का अंतर लेना है, बड़ा छोटा किधर भी हो इससे कोई मतलब नहीं, बस अंतर लेना है। अंतर लेने के बाद आ जाएगा 100, और जितना भी अंतर आएगा उसको 2 से भाग देनी है। बस यही ट्रिक है और कुछ भी नहीं है, किसी भी कोण को आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा, यदि ये टाइम दिया होगा। टाइम ये दिया हो तो बस इसको भी ऐसे ही करना है, 60 से इसको गुना करनी है और इसको 11 से गुना करनी है। तो 6×36 360 इसका आ जाएगा, और 11×22 ये आ जाएगा तुम्हारा, 11×22 220 हो जाएगा इसका। बस इन दोनों का डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है, और अंतर को 2 से भाग करनी है, और इनका जो अंतर आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 140। 140 को आपने 2 से भाग करनी है, और जो भाग करके आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि 70 डिग्री इसका आंसर होगा। उसी तरह ये है एक क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि भार का कौन, ज़्यादातर 12 बजे का जो भी समय होगा उसमें भार का ही कौन निकल कर आता है, अंदर का नहीं। ये भार वाला कौन निकलता है, यदि अंदर वाला पूछेगा तो अंदर वाला आपने जो 360 है उसमें के डिवाइड कर देना है, भार वाला पूछेगा तो भार वाला सेम ऐसे ही निकल जाएगा। इसको 60 से गुना करनी है और इसको करनी है 11 से गुना। गुना करने के बाद ये आ जाएगा 12×72 720 और 11×110। इनका जो डिफरेंस होगा, इनका जो अंतर होगा, ये हो जाएगा 610। 610 यानी कि 305। मात्र 2 सेकंड में आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से किसी भी कोण को। जब ये पूछता है कि घड़ी और घंटे के बीच की सुई का कोण क्या होगा, 305 होगा। ये बाहर का कोण आया है, जो बाहरली साइड का है ये वाला कोण आया है। यदि अंदर का पूछता है तो कुछ नहीं करना, 360 में के 305 को घटा देना है, तो 55 डिग्री का आपका अंदर का कोण आ जाएगा। इसी तरह आपसे यदि यहाँ पर बाहर का पूछता है, 12 बजे के बाद जितने भी समय होंगे उनमें तो अंदर का कोण आएगा, केवल 12 बजे में जो है बाहर का कोण आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपकी समझ में आई होगी, और यदि पेपर देने जा रहे हैं तो एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा।